देखिए सर, मैं आपको बताऊं तो ये इसमें तो कहने के लिए तो इतना है कि मैं आपको 2 घंटे तक बात कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन चीज़ जो है, जो मुद्दा ये है कि भैया बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ जो है, ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये बेटी नहीं तो संसार ही नहीं है, मैं ये मानता हूँ, समझे ना। मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ आपको, मेरी बेटी है तो उसकी शादी हुई, उसकी शादी हो गई उसके बाद ऐसा लगा घर सूना हो गया, क्योंकि जिस घर में बेटी नहीं है या जिस घर में औरत नहीं है, समझे ना, वो घर ही नहीं है एक्चुअली। आप देख लीजिए ना, जब आपके घर से बेटी की विदाई होती है तो क्या हालत हो जाती है। तो उसका उसकी उसकी खाना पूर्ति यही होती है कि आप फिर बहू लेके आते हैं, तो अगेन वो लड़की है, एक लड़की जो आपके घर से जाती है और घर सूना कर जाती है, उसकी पूर्ति भी एक लड़की ही करती है जब बहू आती है, उसके बिना उसके उसका कोई गुजारा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो लो, और अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर कोई, चाहे वो बाप हो या माँ हो, फ्रेंकली स्पीकिंग सब लोग चाहते हैं बेटा हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लेकिन क्या है कि आप समझते नहीं, लेकिन धीरे 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 मैं ये समझता हूँ कि बड़े शहरों में या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये बात नहीं है। आज भी मैं ऐसे कितने लोगों को गिना सकता हूँ जिनकी जिनकी एक ही बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है, एंड दे आर हैप्पी। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमको हमारे यही बेटा है यही बेटी है। फैमिली प्लानिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, पर हर कोई ये चाहता है, मैं भी ये चाहता हूँ एक बाप होने के नाते कि यार एक बेटा एक बेटी हो जाए। तो लकीली ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जो है एक बेटा भी बख्शा है और एक बेटी भी दी है, तो इन दैट केस आई एम वेरी हैप्पी। बट मैं जहाँ तक बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ आंदोलन की बात करूँगा, मैं इससे बहुत ही, मैं इसके सपोर्ट में हूँ, एंड आई स्टैंड फॉर दिस कि बेटी की जितनी, और मैं ये बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा तुम अगर किसी की तवज्जो दो, किसी के बारे में सोचो या किसी के लिए कुछ करो, तो वो बेटी होनी चाहिए। आप ऐसा शो भी कर रहे हैं जिसमें उसमें ही बेटी का इंपॉर्टेंस है। या। मैं एक्चुअली 2 शो ऐसे कर रहा हूँ अभी, कुछ रंग प्यार के ऐसे एक में कर रहा हूँ, या ये लड़की के ऊपर है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं। और उसमें एक्चुअली माँ बेटे का रिलेशन भी बताया हुआ है कि किस तरह का है वो, और कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, और बीवी क्या होती है, उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है बेटी होती है। तो बेटी जो केयर करती है बाप की, मैं नहीं समझता कि बेटा भी करेगा कभी। अगर वो बेटी ने, जैसे मैं अपने घर की बात बता दूँ, मेरी बेटी की शादी होने के बाद मेरी माँ अकेली हो गई, मेरी माँ, उसकी माँ अकेली, मेरी वाइफ अकेली हो गई है, कि उसको लगता है कि सब कुछ, क्योंकि बेटा तो निकल जाता है ना, बेटा तो ना केयर नहीं करता, वो सिर्फ अपने खेल कूद में इधर उधर अपने दोस्तों में मस्त रहता है। लेकिन इट्स ए गर्ल हु केयर्स फॉर मदर, एक बेटी है जो अपनी माँ की और अपने बाप की फिक्र करती है, और शादी होने के बाद भी उसका पूरा मन जो है अपने अपने माँ बाप पे लगा रहता है, अपने घर पे लगा, अपने मायके में लगा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि दे आर वेरी लकी हैविंग द गर्ल्स डॉटर, जिनकी अपनी है, जिनकी अपनी बेटी है, वो बहुत खुशकिस्मत है। थैंक यू वेरी मच।